अभी स्कूल से आई हूँ और अब मैं बना रही हूँ रोटी। आज सुबह लेट हो गई थी तो मैं रोटी नहीं बना पाई, तो ये देखिए ये बना लिया है रायता। रोटियां बना रही हूँ और चंगले और काचर की सब्जी। और अब हमारी थाली लग चुकी है, चमले काचर की सब्जी थाली में डाल ली, साथ में ही चूरमा भी डाल लिया है। गर्मा गर्म चूरमा बनाया था और साथ में ही गर्मा गर्म रोटियां। और ये देखिए साथ में ही छाछ तैयार है, जो रायता बनाया था मैंने स्कूल से आकर। और ये देखिए शानदार अचार, सलाद, नमकीन चावल सब तैयार है और बहुत ही लजीज खाना बनकर तैयार है। और अब मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो फटाफट से खाना शुरू कर देती हूँ। वो भी आ जाएंगे क्योंकि अमूमन हम दोनों साथ ही खाना खाते हैं। इस खाने के आगे होटल का खाना भी फीका लगता है, बहुत ही शानदार खाना बनकर तैयार है। और ये देखिए ये शानदार हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध केरिये का अचार, बहुत ही स्वादिष्ट है। खाना खाने के बाद अब हम आए हैं बाहर बगीचे में, यहाँ पर पौधों को दे रहे हैं पानी। यहाँ पर हमारे बगीचे में धूप जल्दी निकल जाती है और बहुत जल्दी छाया आ जाती है, तो ये देखिए पेड़ पौधों में दे रहे हैं पानी। सारे पौधों को नहला नहला के ये पानी दे रहे देखिए हैं। सभी पौधों को नहला नहला कर पानी दे रहे हैं। ये देखिए अभी बारिश नहीं हो रही है ना, तो इन पौधों पे धूल मिट्टी जम जाती है और इस तरह से इनको नहलाते हैं, ऊपर से नीचे तक पानी देते हैं, तो इनकी धूल मिट्टी सारी हट जाती है और पौधों में अलग ही रौनक आ जाती है। ये गुड़हल के पौधे में और ये इधर छोटे मोटे जो भी पौधे हैं सब में पानी दे रहे हैं। ये देखिए ये कंजोटिया का कितना बड़ा सारा पौधा है, लगभग 5 फीट से भी ज़्यादा है ये पौधा, इसको भी नहला रहे हैं। बहुत ही सुंदर पौधा है ये और इसकी दो तीन मतलब कटिंग हो गई, आगे से आगे ये लग जाता है। और ये सारे पौधों में इस तरह से छिड़काव कर करके पानी दे रहे हैं। और ये देखिए ये पाम का पौधा, कितने अच्छे पौधे के पत्ते हैं इसके। और इधर ये एक बहुत ही सुंदर पौधा है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन इसके ये फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये सदाबहार का। और ये आज देखो तो कैसे अलसा रहा है धूप में, तो इसको पानी देना अभी ज़रूरी है। इसके आज फूल भी कम दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए एक छोटा सा है मौसमी का पौधा, कितने छोटे छोटे मौसमी आ रहे हैं इसके, एज ए नींबू काम में लेते हैं हम इसके मौसमी। बेचारा गमले में लगा हुआ छोटा सा पौधा है। और ये देखिए एक छोटा तो ये झड़ गया हाथ लगाते ही, सारे फल नहीं तैयार होते। और ये काचरी मैंने सुखाई थी धूप में, तो इसमें भी मैं हाथ चला देती हूँ ताकि ये भी अच्छे से सूख जाए। रात को इसको अंदर रखेंगे, धूप में ये सूख रही है अभी। पेड़ पौधों को पानी दे दिया है और अब चलते हैं अंदर। तो अंदर जाकर आपको क्या लगता है, मैं आराम करूंगी? नहीं, अब मैं पढ़ूंगी अखबार, क्योंकि सुबह तो टाइम मिलता नहीं है, फिर और भी काम होते हैं, तो अभी मैं पढ़ूंगी अखबार। अखबार की फ्रंट न्यूज है, जिले में 80 डेंगू पॉजिटिव। और नींद से उठने के बाद मैंने चाय बना ली है। अब देखिए तो चाय ज़्यादा बन गई थी तो मैंने कप भर भर के ले ली है। अब आप ही बताओ इतनी चाय कौन पीता है, लेकिन वेस्टेज करने से तो अच्छा है, पी लेते हैं इसको। चाय पीने के बाद अब मैं साफ़ कर रही हूँ ये गूंदलियाँ, जिनको हरे प्याज भी कहा जाता है। इनकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो इनको साफ़ करके तो बनाती हूँ ये मैं देखिए चटनी। शाम के खाने में मैंने चटनी बनाई थी, मैं वीडियो बनाती इससे पहले तो खा चुके थे। और ये साथ ही रोटियां भी मैं बना रही थी फटाफट से, और साथ ही रोटी बनने के साथ ही गैस चूल्हा वगैरह सब मैंने साफ़ भी कर दिया था। नमस्ते दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। और सबसे पहले ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया था 2008 को। तो 2008 में 15 अक्टूबर के दिन लगभग 120 मिलियन बच्चे, एक जो कि 70 देशों से थे,
सभी ने एक साथ मिलकर साबुन से हाथ धोए थे और ये एक कीर्तिमान बनाया था। और उसके बाद हर साल 15 अक्टूबर के दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है और बच्चों को हम बताते हैं कि किस प्रकार से 7 चरणों में अपने हाथों को हमें धोना चाहिए, शौच के बाद और खाने से पहले, क्योंकि हमारे हाथों में जो बारीक बारीक रेखाएं होती है ना, इनमें खूब सारे जर्म्स फंस जाते हैं, तो हाथों को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। और जो कहीं पर यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हम राख से भी अपने हाथों को धो सकते हैं, क्योंकि राख भी एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरस के गुणों वाली होती है। तो केवल पानी से हाथ धोने से बेहतर है कि हम राख से हाथ धो सकते हैं। और आइए जानते हैं कि अपने हाथों को कौन से 7 चरणों से अच्छे तरीके से हमें धोना चाहिए, क्योंकि भारत में माना जाता है कि अमूमन 3 सेकंड से भी कम समय में हाथ धो लेते हैं हम। तो क्या ये 3 सेकंड में हाथ धोना सही है? अपने बच्चों को हम बताएं कि अच्छी तरह से हाथ धोना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने हाथों को गीला करें, उसके बाद साबुन हाथ में लेकर अच्छे से लगाएं। साबुन को साइड में रखें, सबसे पहले अपनी हथेलियों को रगड़ें और फिर अंगूठे और अंगुलियों के बीच की जो त्वचा है इसको रगड़ना चाहिए आगे पीछे दोनों तरफ से, और फिर हथेली को नाखूनों से खुरचना चाहिए ताकि इनके अंदर जमे हुए जो भी जर्म्स हो वो बाहर निकल जाएं। अपनी जो हथेलियाँ होती हैं इनमें बहुत बारीक बारीक रेखाएं होते हैं, इनमें कीटाणु फंस जाते हैं, इनको अच्छे से हटाना चाहिए। और फिर हाथों को पीछे की तरफ से भी अच्छे से साबुन से मसलना चाहिए और अब बहते हुए पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह से धो। तो ये है हाथ धोने के 7 चरण, इस तरह से हमें अपने हाथों को हैंड वॉश करना चाहिए खाने से पहले और शौच के बाद। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ साफ हुए हैं और अपने हाथ धोने के बाद इनको ऐसे ही सूखने दें, किसी तौलिया वगैरह से न पोंछें।